नहीं चाहिए थी अभी, बिल्कुल सही है, और ऐसा आराम हमारे साथ लाइन पे से हैं अमजद शेब साहब, आपके तज्जिए के बारे में भी बात करेंगे और आज की राहील शरीफ की स्टेटमेंट के बारे में भी बात करेंगे उनसे हम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जनरल साहब ठीक हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जनरल साहब जी, अल्लाह आज की जो डेवलपमेंट है इस पे मैं तो कई प्रोग्रामों में ही कह चुका हूँ कि जनरल राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे और ना उनको लेनी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ कि अभी तो 11 महीने रहते हैं और 11 महीने पहले ही उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि ISPR को प्रेस रिलीज देनी पड़ी कि जो है ना वो मुलाजमत रिटायर में हो तौसी। जाएंगे हाँ और तौसी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तौसी नहीं लेंगे मुलाजमत में। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्यों इतना जल्दी ये चीज़ सामने आई, जो पहले मेरा ख्याल है पूरी हिस्ट्री में ऐसा चीज़ नहीं हुई कि अभी 11 महीने रहते हैं। देखिए, बात यह है कि एक तो रहील शरीफ, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है जो आप में से, मैं जैसे या और हमारे दोस्त जो उनको जानते थे, वो आपकी तरह पहले से ये कहते थे कि वो एक्सटेंशन लेने वाला आदमी नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि यहाँ पे ट्रेडिशंस रही हैं ऐसी कि लोग एक्सटेंशंस लेते रहे हैं, और वरना तो कोई जरूरत नहीं होती। अगर सिस्टम को कभी भी आपने टेम्पर ना किया हो, छेड़ा ना हो, तो कभी सवाल ही ना उठेगा, क्योंकि हमेशा ये समझा जाएगा कि इस मुल्क में सिस्टम यही है कि कोई एक्सटेंशन नहीं, जिसका जितना टेन्योर बनता है वो पूरा करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसे हालात रहे, बाज लोगों ने एक्सटेंशन ली, जिसकी वजह से ये इसमें शुबहात उठने शुरू हुए, बिल्कुल और फिर ये है कि जानबूझ के बहुत सारे लोगों ने इस चीज को जेर बहस लाने की कोशिश की मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ डिस्कशंस के दौरान, ताकि ये बात किसी तरह खुल के सामने आए। बिल्कुल बाज लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि रहील शरीफ नवाज शरीफ को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ होते हैं, मशावरत बड़ी करते हैं। जी हम ये कहते हैं कि जी दोनों लीडर जो है वो एक ही पेज पे हैं, तो इससे यूं लगता है कि इनका कुछ आपस में मामला है कि एक्सटेंशन दी जाएगी या वो देंगे, एक्सटेंशन मांगेंगे। तो बिल्कुल इस तरह की जब आप चैमे गोइयां करते हैं, तो एक बाइज्जत आदमी जिसकी पर्सनैलिटी में ये चीजें होती नहीं, जो सिर्फ ये जिसका खानदान की एक रवायत मौजूद है कि वो तो अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार बैठे हैं, तो वो छोटी मोटी चीजों पे तो नहीं बिकते। तो बिल्कुल सही उनके बारे में जब ये चीजें कही जाएं, तो फिर उनके लिए तकलीफें होती हैं। बिल्कुल तो सही। मेरा ख्याल है कि इस तकलीफ से जान छुड़ाने के लिए राहील शरीफ को ये बयान देना पड़ा, वरना तो ये बयान अमूमन नहीं आता। बिल्कुल आखिरी दिन आप खुद अपना कमांड हवाले करके चले जाते हैं बयान दिए बगैर। बिल्कुल या सही, महीने बिल्कुल दो सही। पहले हाँ, कोई इस किस्म का यहाँ ये बयान मैं समझता हूं कि उस आदमी ने अपनी अना को बरकरार रखने के लिए, कि बिल्कुल कब्र सही इसके के 11 महीने उसके ऊपर सही, यही बहस इतना और सही। ये मुख्तलिफ बताइएगा, इल्जामात। अभी न्याय साहब ने भी कहा कि ये लम्हा फिक्रिया है हमारी कौम के लिए भी और अदारों के लिए भी कि एक आर्मी चीफ को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी, जबकि अभी बहुत वक्त है उनके मुलाजमत में या रिटायरमेंट में। तो ये एक लम्हा फिक्रिया भी, न्याय साहब ने भी ये बात की। तो ये ऐसा ये माहौल क्यों है कि 7 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि जब भी ऐसा टेन्योर कंप्लीट होने लगता है किसी चीफ का, तो ये सनसनी फैल जाती है और ऐसी बातें सामने आती हैं। तो ये वाला जो माहौल है, ये लम्हा फिक्रिया है, न्याय साहब की बात दुरुस्त है, लेकिन ये क्यों, जैसा ये फरमाइए कि ये क्यों ऐसा हो जाता है, ऐसे सनसनी फैल क्यों जाती है। बस मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस काम के पीछे होते हैं कि कुछ उगलवाया जाए, कुछ निकाला जाए कि अंदर है क्या। जैसे मैंने कहा कि यहाँ चैने गोइयां की बात चैनल पे लोगों ने ये भी कहा कि जी राहील शरीफ कंप्रोमाइज हो चुका है, जी जी और कंप्रोमाइज हुआ है इस वजह से कि वो अब ही इज लुकिंग इन टू एक्सटेंशन। तो बिल्कुल सही, ये चीजें, इस तरह की बातें जब आती हैं, वो आप समझते हैं कि उन लोगों के मकासद क्या होते हैं। लेकिन सर ऐसे ऐसे भी बाजू लोग हैं जहाँ पे न्याय साहब भी हमारे साथ मौजूद थे अपने प्रोग्राम्स में, उन्होंने एनालिसिस दिए और उन्होंने बताया ये काफी हद तक ये प्रिडिक्शन थी इनकी तरफ से कि ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी चीजें भी ये नहीं, सामने हैं हमारे। वो बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी लोग इस पर्सनालिटी को समझते थे, जिन लोगों को अंदाजा था, जी, वो ये समझते थे कि ये इन चीजों में दिलचस्पी रखने वाले लोग नहीं हैं, ये फैमिली ऐसी है कि ये बिकते नहीं हैं, कि अगर आप बिल्कुल उनको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं, तो वो अगर वो तावन कर रहा है किसी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सटेंशन ले रहा है। तो ये उन लोगों के लिए, मैं समझता हूँ, एक 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 तरह से हद तक की बात थी कि ये उनके बारे में इस तरह का सोचा जाए। अब दुरुस्त। बात यह है कि वो पीछे एक लेगेसी छोड़ के जा रहा है। ये भी एक सेंसेबल आदमी सोचता है कि
कि मैंने अपने तौर पे जो कुछ करना था मैंने कर दिया, मेहनत की, अब मैं अपने वक्त पे यहाँ से चला जाऊं। और मैं चूंकि इज्जत के साथ जा रहा हूँ, मैं पीछे एक लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं, तो वो मैं समझता हूँ उसके लिए अपने लिए भी बेहतर होता है। लेकिन यहाँ ये था कि पब्लिक का बड़ा, पब्लिक में बड़ा एक हिजान था, एक डिमांड थी, लोग आज भी चाहते हैं कि ज़रबे जो है वो कहीं दरमियान में रह जाए, दरमियान में ना रह जाए। बाज़ लोग कराची के ऑपरेशन के मामले में समझते हैं कि वहां पे ये चीजें दोबारा रिवर्स में होनी शुरू हो जाए, खासतौर पर करप्शन के मसले हैं या टेरर फंडिंग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहील शरीफ ने एक अच्छे कमांडर ये होती है कि वो पीछे अपनी एक चेन जो है वो ट्रेन कर जाता है या उनको तैयार कर जाता है जी। अगर वो ये उसको पहले से ही अगर जेन में है कि मैंने ये फना तारीख को छोड़ देना है होता, तो फिर उसको पता होता है कि मेरे पास ये एक दो साल है जिसमें मैंने आगे लोगों को ग्रूम कर लेना है ताकि वो मुझसे टेक ओवर करें और मुल्क के मुफाद में काम करते रहे उसी तरह जिस तरह मैंने किया है। तो आई एम श्योर कि उसने ये किया होगा और आने वाले कमांडर्स के लिए ये एक, मैं समझता हूँ, बड़ी उनकी मजबूरी होगी कि उनको ये स्टैंडर्ड पूरे करने पड़ेंगे, मीट करने पड़ेंगे जो राहील सेट करके जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो होपफुली इंशाल्लाह चीजें दुरुस्त सिमत में चलती रहे। अच्छा जनरल साहब, ये जो है अपना राहील शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है ये अच्छा फैसला है उनका, जो मेरे ख्याल के मुताबिक और मैं जो उनको जानता था या समझता था या उसकी फैमिली को जानता था, तो मेरा शुरू से यही कहना था और ये अच्छा फैसला है। आप लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल बनता है ना तो वो मेरा ख्याल है चीफ की अहलियत रखता है, जो भी आएगा वो सिस्टम है ऐसा बना के किसी को चुनना होता है। सो नेचुरली अपने तौर पे सबको जो सीनियर मोस्ट तीन चार चार एक होते हैं उनको तो लाजमन और इनका बड़ा इनका इस लिहाज से बड़ा कारनामा है। क्यानी साहब ये हमारे मोहतरम है, लेकिन उनकी उन्होंने जो रविश या जो मिसाल या जो तरीक़ाकार इख्तियार किया था एक्सटेंशन वाला, उसको इन्होंने अदारे में एक तोड़ने का असूल वजह कर दिया कि वो रविश नहीं होनी चाहिए, जो आने वाले सिस्टम में ऐसी चीज़ कोई नहीं अपनाई जाएगी कि एक्सटेंशन लें। एक्सटेंशन जब ली जाती है तो नेचुरली दूसरों के हकूक पर थोड़ा बहुत डाका लाजमी पड़ता है, सिस्टम में खराबी आती है। खराब सिस्टम में खराबी आती है। लेकिन मैं एक आप जैसा इम्पोर्टेंट चीज है ना, मैं आपके सामने रखना चाहूँ, वो ये है कि थोड़ा सा आप देखिए कि शफाफियत का भी अमल आया है, जहाँ फौज पाकिस्तान के हायर लेवल के ऊपर आप लीजिए कि कुछ करप्शन को डील करने का या उनको एहतसाब का अमल जो है वो भी मैं समझता हूँ इम्प्रूव किया है, बेहतर हुआ है। और नया चीफ आने वाला मेरा ख्याल है इस सिस्टम को जारी रखेगा, बल्कि इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेगा अपने पीरियड को। लेकिन एक बात है अमजद शुएब साहब, मेरी एक गुजारिश हमेशा रही है और हम तमाम गवर्नमेंट्स को मैं कहता रहा हूँ, और हम तो एक बात टीवी पे या आर्टिकल्स में लिख ही सकते हैं कि ये ऐसी शख्सियत, ऐसे बड़े नाम जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके नाम से फ़ायदा उठाने के लिए कोई ऐसा थिंक टैंक अदारा बना दिया जाए कि जिस पे ये आपकी बात दुरुस्त है, अमरीका में देखें, जहाँ देखें दूसरे मुल्कों के, कोई ना कोई एडवाइजरी रोल रहना चाहिए ताकि वो हुकूमत को मशावरत दे सके, हुकूमत को अपना रोल अदा कर सकें, और जो उनको पता होता है जो बहादुरी से जुरत से इन ऐसे लोगों ने किया होता है और इसकी शख्सियत से हुकूमतों को, राहील शरीफ जैसे लोग या आप जैसे लोग जो रिटायर हो जाते हैं तो जो आप लोगों को तजर्बा होता है उससे गवर्नमेंटों को फायदे नहीं उठाती। वो को ऐसा अदारा मैं कई दफा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, होना चाहिए जिससे इंशाल्लाह ये चीज मैं भी आगे लेकर चलूंगा, जरूर इस पे बात करेंगे के ये कोई थिंक टैंक का अदारा हो जो जो मशावरत दे सके, दहशत गर्दी हो या फॉरेन अफेयर्स हो या डिफेंस के मामला पे, हर फील्ड में जिसमें उन्होंने काम किया वो किया जा सकता है। थैंक यू जन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ रहने के लिए।